खबर दुर्ग जिले के भिलाई से है, जहां विधायक देवेंद्र यादव को जल्द रिहा करने की मांग को लेकर शनिवार को कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट का घेरावा किया। इसके बता दें कि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश भर में कांग्रेसियों में भारी आक्रोश पनप रहा है। और इसी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण और भिलाई जिला के कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने नाकामी को छिपाने की कोशिश में हमारे विधायक को दोषी बता रही है, लेकिन एक सबूत भी पेश नहीं कर पा रही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि यदि एक भी सबूत सरकार के पास है तो वह सार्वजनिक करे। आगे भूपेश बघेल ने कहा कि जल्द से जल्द देवेंद्र यादव को रिहा किया जाए, वरना इससे उग्र आंदोलन किया जाएगा। गाड़ी रोकने के बाद नारेबाजी भी कर रहे थे और मेरे सुरक्षा में जो तैनात सरकार ने दिया है उन कर्मचारी अधिकारियों साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। दो बार मुझे गाड़ी से करना पड़ा और बदतमीजी भी कर रहे थे और पीछे वाले गाड़ी को तो रोक ही लिए। इस प्रकार से शासन सुरक्षा दी है, उसमें भारी सेल और ये ही 70% के लोग बजरंग दल अपने आप को बता रहे थे, उनके द्वारा क्या शायद भिलाई जिले में कोई घटी थी और वो कह रहे थे आतंकी हमला हुआ है। तो आतंकी हमला हुआ तो शासन प्रशासन से बोलो भाई, मुझे क्यों बोल रहे हो। मुख्य बात यह है और ये टारगेट करके मैं यहाँ ना आ सकूँ, इसलिए वो रोक रहे थे। तो सरकार इतनी डरी सहमी हुई है कि अब इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ।